परमेश्वर का धन्यवाद, वो हमारे लिए अद्भुत करने जा रहा है। जब आप वचनों को स्वीकार करने वाले बन रहे हैं, जब आप सेवकाई के साथ बड़े रुचि के साथ आप इस सेवकाई में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अद्भुत होगा यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा, वो मेरी करुणा से घिरा रहेगा, और वो धर्मी को आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वो अपने अनुग्रह रूपी ढाल से आपको घेरे रहेगा। और इसलिए आप सेम ना रहेंगे, आप मेरे विचारों को सुनने के लिए नहीं हैं, आप मेरे सोच को, मेरे विचारों को, मेरी कल्पनाओं को सुनने के लिए आप यहाँ नहीं हैं, परंतु आप परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के बल को, परमेश्वर के गहरे और रहस्यमय चीज़ों को जानकर अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखने के लिए आज आप सेवकाई के साथ हैं। तो आज परमेश्वर के साथ बड़े रुचि के साथ और अपने आप को, अपना मन, अपना ध्यान हम कहीं दूसरी जगह नहीं, परंतु अपना मन उस परमेश्वर के वचन पर देना है जो पवित्र आत्मा आपको देने वाला है। याद रखें, पवित्र आत्मा हमारा वो सहायक है जो हमारे हर मुश्किल में, यदि हम अकेले हों, दुनिया हमें छोड़ दे, पर पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है हमारी हेल्प के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें हस्त पुष्ट रखने के लिए, वह पवित्र आत्मा आज आपके ज़िंदगी में बात करना चाहता है। तो परमेश्वर के जन इस बात का अनुभव आज आप करेंगे और अपनी आँखों के सामने आप अपने घरों पर, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। देखिए, जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं, जब प्रभु का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को प्रभु के सामने लेके आते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर विचार करता है, कंपल्सरी निश्चित रूप से विचार करता है। हम वचन से कह रहे हैं कि सामुएल वेदी के सामने सोता था, वेदी की सेवा करता था, वेदी की साफ सफाई रखता था, और वो वेदी के प्रति बड़ा ही चौकस था। किस वेदी के प्रति? वह वेदी जो परमेश्वर का प्रगटीकरण है, वह वेदी जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है, वह वेदी जो परमेश्वर की महिमा का जगह है। उस वेदी के साथ में नज़दीक सैमुअल भविष्यवक्ता जब बच्चा था तब वो सोता रहता था, साथ में रहता था। और आपको पता होना चाहिए कि वह परमेश्वर के बातों को सुना, परमेश्वर स्वयं सैमुअल से बात करके उसके जीवन को किस तरह से आत्मिक शक्ति से भर दिया और भविष्य के लिए उसके लिए एक मार्ग खोला। तो आज आप भी जब वेदी के सामने आ रहे हैं, जब परमेश्वर की महिमा को सुनने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं, तो आपके लिए चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम होने जा रहा है यीशु के जीवित नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का एक वचन कहता है कि अगर हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, तो नीति वचन अध्याय 18 वचन 12 हम पढ़कर आपके लिए परमेश्वर के वचन के बारे में हम अंदर जाएंगे, और वहाँ एक बाइबल का वचन ये कह रहा होता है कि नम्रता यानी महिमा आने से पहले इंसानों में नम्रता दिखने लगती है, और ना सोने से पहले इंसानों में घमंड दिखने लगता है। जब कोई आदमी घमंडी बन जाता है और वो अपने सामने किसी की नहीं सुनता है, तो ये आप पक्का मान लेना कि उसकी ज़िंदगी में अब अच्छा नहीं होने वाला है। और जब कोई व्यक्ति नम्र बन रहा होता है, और नम्र बन रहा होता है, अपनी हानि सह लेता है और नम्र बन रहा होता है, तो संसार भले ही उसे पागल समझे, संसार भले ही उसे बेवकूफ समझे, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा होगा उसके लिए। यदि वो मसीह के साथ में जी रहा है, तो नम्रता अगर उसने धारण कर ली है, तो ये प्रतीक है परमेश्वर की महिमा का, और उसके जिंदगी में महिमा एंटर करेगा, ग्लोरी एंटर करेगा, और उसके कामों को एक उलट पुलट कर देगा, उसके ज़िंदगी में एक बेहतरीन एक सीन को प्रभु लाकर खड़ा करेगा, एक बड़ी आशीष को लाकर खड़ा कर देगा। बाइबल के एक शब्द है कि अंडर गॉड्स हैंड मतलब परमेश्वर के हाथ के नीचे जो जीवन जिया जाता है,
वो कहीं ना कहीं दुख में भी हमें प्रसन्नता का अनुभव देता है। जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को लेकर आते हैं तो परमेश्वर का हाथ बहुत शक्तिशाली है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे आप आ जाओ तो वो तुम्हें निश्चित समय पर तुम्हें पढ़ाएगा। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं। तो आज हम परमेश्वर के हाथ के नीचे यदि हैं तो वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे तो हम हैं लेकिन अंदर की जो परिस्थितियाँ हैं वो कहीं न कहीं हमारे आपके विपरीत हैं। तो उस विपरीत अवस्था को किस तरीके से हमें सामना करना चाहिए? सवाल नंबर एक, आप मसीह में रहकर भी प्रभु के साथ जीकर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे परसिक्यूशन सताव आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां या कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कहीं ना कहीं किसी मनुष्य के द्वारा ताड़नाएँ आ जाती हैं। तो उसे कैसे सामना करें ये बात को हमें आज जानना और समझना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जानते हैं कि उत्पत्ति की घटना से हम जब परमेश्वर के वचन को बारीकी से जब अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर जब हम मन लगाते हैं तो याद रखो कि एक व्यक्ति के बारे में हम देख रहे होते हैं जिसका नाम अब्राहम होता है और अब्राहम को परमेश्वर ने अपने उस महिमा के लिए चुना जो कभी ना खत्म हो। अब्राहम को परमेश्वर ने अपने उस महिमा के लिए उसे चुन लिया, उसे अपने साथ ले लिया, यहाँ कि वो अपना मित्र बना लिया, उस अनंत महिमा के लिए उसे रखा हमारे आपके लिए। उस अब्राहम के विषय में अगर हम ध्यान दें तो अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में जो परमेश्वर ने आशीष दी, जो वाचाएँ दी और उससे कहा कि तेरे वंश ऐसे होंगे, भीख नहीं मांगेंगे, तेरे वंश धनवान होंगे, तेरे लोग जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी वो भूमि उनकी हो जाएगी और वो परमेश्वर उनकी अगुवाई करेगा, राष्ट्र उन्हें स्वीकार करेगा और वो एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और अब्राहम को जो आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, अब्राहम को जो श्रापित करेगा उसे मैं श्रापित कर दूंगा। आप बातों को समझिए कि अब्राहम को इतना चाहने वाला परमेश्वर आखिर क्यों चाहता है उसे? वो इतना मित्र कहता है परमेश्वर और उसे बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और आप जानते हैं कि अब्राहम 100 साल के हो जाते हैं और सारा 90 साल के बाद परमेश्वर ने एक बेटा देकर आशीष दिया, लेकिन तब तक अब्राहम फेथ के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, एक बड़ी आशा के साथ परमेश्वर के संग संग बना रहा। अगर अब्राहम के बारे में हम अगर ध्यान से देखें तो अब्राहम के जीवन में सारी चीजें थी, प्रॉपर्टी, संपत्ति, संपन्नता, वैभव, सोने चांदी, सैनिक, बुद्धिमान लोग, सामर्थी लोग उसके चारों ओर थे, सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज नहीं था, संतान। तो मैं आपसे सवाल करूं कि अब्राहम के पास संतान ना होने के बावजूद भी वो विश्वास योग्य क्यों रहा? उसे ऐसी चीजें क्या दिखी जिससे वो परमेश्वर के साथ साथ बना रहा, परमेश्वर के संग संग लगा रहा और जो भी कुछ परमेश्वर कहते थे वो उसे हाँ और आमीन में स्वीकार करता था। कभी भी वो परमेश्वर के सामने सवाल नहीं करता था, ओ परमेश्वर संतान नहीं है, आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? कभी भी उसने ऐसा सवालिया निशान खड़ा नहीं किया। वो कौन सी ऐसी बातें वो जान चुका था? याद रखें, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता है इसलिए यह उसका धार्मिकता कहा जाता है, वो धर्मी व्यक्ति गिना गया और वो परमेश्वर के उस बात को जान चुका था जो उसकी जिंदगी से, जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ रहस्य था, एक रहस्य था। याद रखिए, 25 साल इंतजार करता है और उसके पास एक आनंद भरा समय आता है। अब ये नहीं कि उसके पास संपत्ति नहीं थी, उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, जमीन नहीं था, नौकर चाकर, दास दासियां नहीं थे, सब कुछ था,
लेकिन 25 वर्ष तक वेट करता है, इंतजार करता है, और उस 25 साल के भीतर उसने परमेश्वर को और गहरे रीति से जानने का अनुभव प्राप्त करता है। आज आप जब सेवकाई के लिए नहीं आ पाते हैं, आप जब आज संगति नहीं हो पा रही है, तो मैं सोचता हूं कि ये एक एग्जाम है, ये एक परीक्षाएं हैं हमारे आपके जीवन में, कि हम किस तरह परमेश्वर को अपनी जिंदगी में लेकर चल सकते हैं। याद रखें, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं, अंडर गॉड्स हैंड, मतलब परमेश्वर के हाथ के नीचे जीवन जीने का एक अनुभव हमें अगर लेना है तो उसके उसके उस वचन को, उसके उस वाचा को हमें पकड़ लेना होगा जो प्रभु ने हमें आपको दी है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।